दोस्तों, पेंशन से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। यदि आप एक पेंशनर्स हैं तो आपको इस खबर को जरूर सुनना चाहिए। तो दोस्तों, खबर को जानने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं खबर को विस्तार से। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश में अभी नई नई सरकार बनी हुई है और जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिक्कू, उन्होंने कहा है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना OPS के मुद्दे पर पहली ही कैबिनेट बैठक में निर्णय लेगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, यानी कि जो पहली कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें ही पेंशन के बारे में निर्णय लिया जाएगा। ये बात उन्होंने बालका आश्रम में मीडिया के साथ बात करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मासिक 1500 रुपये और बिजली उपभोक्ताओं को मासिक 300 यूनिट बिजली निःशुल्क देने के संबंध में मंत्रिमंडल की बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। जो भी कर्मचारी के हित में और प्रदेश के आमजन के हित में होगा, प्रदेश सरकार उसे करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हिमाचल प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने साफ साफ दावा कर दिया है कि जो पहली कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें OPS यानी कि पुरानी पेंशन योजना के बारे में जो भी निर्णय लिया जाएगा, यानी कि बहुत ही बड़ा निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पेंशन से जुड़ी हुई खबर। यदि आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।